वेलकम टू माय चैनल और मेरा नाम है सुमन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ईद मेकअप ट्यूटोरियल फॉर टीनेजर गर्ल्स, जो अपना मेकअप बहुत लाइट वेट करना चाहते हैं और बिना फाउंडेशन के, बिना कंसीलर के, वो भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ। साथ में मैं शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में प्रो टिप, ताकि आप अपना फेस मेकअप फ्लॉलेस कैसे बना सकते हैं। सो लेट्स हेड टू द वीडियो एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल, और उसके बाद सब्सक्राइब कर लेना अगर आप मेरी लव फैम का हिस्सा नहीं बने हो। सो फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम अपने हेयर को कंट्रोल में करें, तो उसके लिए आप अपना हेयर बैंड यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में आपको ये वाला हेयर बैंड, ये जो स्पायरल वाला आता है, ये अराउंड 10-20 रुपीज़ में मिल जाता है। या फिर आप अपना फेवरेट किटी बैंड बना सकते हैं। ये मेरा घर पर ही बनाया हुआ DIY किटी हेयर बैंड है। सो मैं सबसे पहले अपने हेयर को पीछे कर लूँगी पुश, और उसके बाद मैं अपने हेयर बैंड को लगा ले रही हूँ। और उसके बाद अपने फेस को अच्छे से क्लियर कर लीजिए फेस वॉश के साथ, और अगर नहीं है तो आप अपना रोज़ वाटर यूज़ करके डिप करके कॉटन में, उसके बाद अपना एक्सेस मेकअप जो आपने पहले किया हो वो हटा सकते हैं। इससे आपका फेस मेकअप बिल्कुल अच्छा होगा। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र। आप मॉइस्चराइज़र के लिए कोई लाइट वेट मॉइस्चराइज़र लें। यह हिमालय का फेस लोशन है, अराउंड 75 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको, या 80 रुपीज़ में। ऐसा नायका में आपको बहुत अवेलेबल है, ये प्राइसेस अच्छे मिल जाते हैं वहाँ पर। और आप लैक्मे का पीच मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑयल नहीं आने देते फेस पर। सो या समर मेकअप के लिए बेस्ट है। सो अच्छे से पहले मॉइस्चराइज़ कर लीजिए, इससे आपका जो फेस है वो मॉइस्चराइज रहता है और फेस मेकअप के लिए रेडी रहता है। उसके बाद मेरा फेवरेट बायो आलमंड लिप बाम फ्रॉम बायोटिक, ये सिर्फ 25 रुपीज़ का आता है, लेकिन इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत अच्छी है। ये बिल्कुल लिप्स के अंदर जाके मॉइस्चराइज़ करता है, ताकि आपका जो कोई भी फिनिश है, मैट लिपस्टिक है, कोई भी लिपस्टिक है, वो बहुत अच्छे से स्टे करता है। प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है एलोवेरा जेल, और उसको मैं अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। ये भी आपको 40-50 रुपीज़ में मिल जाएगा। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आप अपने फेस पर जो ब्रशेज़ यूज़ करेंगे वो कौन से होने चाहिए। ये है फ्लैट टॉप ब्रशेज़, इसको हम एक्चुअली मल्टीपर्पज़ ब्रशेज़ बोलते हैं, बिकॉज इससे आप कुछ भी लगा सकते हैं, ब्लश, कॉम्पैक्ट, पाउडर, कुछ भी। तो ये वाला ब्रश आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप नहीं यूज़ करते हैं तो आप स्पंज ही ले सकते हैं, कोई भी अच्छा स्पंज जो बहुत ही फ्लफ़ी हो, एब्जॉर्बेंट हो, तो आप ले सकते हैं उसे। मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ कि आप हाथ से लगाएं, बिकॉज उससे हाथ से हमें नहीं पता चल पाती है कवरेज एक्चुअली क्या है। उसके बाद मैं जो आज यूज़ करने वाली हूँ वो है लैक्मे का CC क्रीम। आज मैं कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं करूँगी, ना ही कोई कंसीलर, बिकॉज आई नो कि टीनेजर गर्ल्स को इतनी ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं होती, ना ही वो इतना टेंशन लेते हैं। सो लैक्मे CC क्रीम डज द वर्क। उसके बाद मैं आपको एक प्रो टिप दे रही हूँ, आप अपने फाउंडेशन ब्रश के ऊपर, जो हमारा फ्लैट टॉप ब्रश था, उसके ऊपर अपना मेकअप फिक्सर लगा सकते हैं स्प्रे करके। उसके बाद अपने CC क्रीम को आप अच्छे से ब्लेंड कर ले, बिल्कुल फ्लॉलेस हो जाएगा, और उसके बाद ये काफ़ी देर तक स्टे भी करता है। तो मैं इसको हमेशा पहले स्टिपलिंग मोशन में करती हूँ, लाइक पहले डैब डैब करना है, और उसके बाद रिमूव नहीं करना उसको, हमें थोड़ा थोड़ा सा ड्रैग करना है अपने फेस के ऊपर, ताकि उसकी एक लेयर बनती जाए। बिकॉज पार्टी मेकअप है, ग्लैम मेकअप है, तो आप अपना जो कवरेज है वो हाई रख सकते हो। जो हमारा फिनिश है फिंगर से उतना अच्छा नहीं आता, लेकिन हाँ उससे ब्लेंड बहुत अच्छा होता है, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन ब्रश की जो फिनिश होती है ना वो बहुत अच्छी होती है। अगर आप उसको सीख लेंगे तो आपका फेस मेकअप हमेशा फ्लॉलेस होगा। सो उसके बाद मैं ले रही हूँ अपना LE18 का कॉम्पैक्ट, और इसे अप्लाई कर लूँगी। जो मैंने लैक्मे का कवरेज वाला लिया था CC क्रीम, वो भी बहुत अच्छा है, आप ले सकते हैं। और हमेशा अपने पाउडर को पहले स्टिपल करना है, फिर ड्रैग करना है, जैसे कि मैं शो कर रही हूँ, बिकॉज इससे आपका जो फेस मेकअप है वो कभी भी केक ही नहीं होगा। पहले आप स्टिपल करिए और हल्का हल्का ड्रैग करिए इससे। और हमेशा याद रखिए, आप कुछ भी लगाएं अपने फेस पर, फ्रॉम द टॉप ऑफ योर हेयर लाइन टू द योर नेक लाइन, आपका जहाँ पर एंड हो रहा है आपका कोई भी टॉप या ड्रेस, वहाँ तक आपकी कवरेज होनी चाहिए। और कंसीलर ना यूज़ करते हुए आप यूज़ कर सकते हैं अपना लैक्मे का CC क्रीम, बिकॉज़ इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। क्योंकि मैंने पहले कॉम्पैक्ट से सेट कर लिया था, बिकॉज़ लैक्मे CC क्रीम को थोड़ा सा सेट करने की नीड होती है, तो आप अपना या तो पहले कंसीलर लगा लो या फिर आप बाद में लगा सकते हो। मेरे फेस पर कंसीलर की बहुत थोड़ी सी नीड होती है, इसलिए मैं उसको बाद में लगाती हूँ। और हमेशा याद रखिए, जहाँ पर आपको डार्क स्पॉट्स हैं वहाँ पर लगाना है, अंडर आइज़ पे, और हाइलाइटेड जोन यानी कि आपका जो नोज़ है या फिर आपके हाईएस्ट चीक बोन है वहाँ पर होने चाहिए। अब मैं यूज़ करी हूँ ब्लू हेवन का ग्लो कॉम्पैक्ट पाउडर, ये सिर्फ 75 रुपीज़ का आता है, और ये स्टार है आपके मेकअप का, इसे ज़रूर ले लेना। इसे हम बेकिंग प्रोसेस कहते हैं। एक्चुअली क्या करता है कि आपके जो अंडर आइज़ है या हाइलाइटेड एरिया है वहाँ उसको हाईलाइट करता है।
नेक्स्ट मैं आज जो यूज़ कर रही हूँ वो है जेनरिक का आई शेडो किट। इसके अंदर से मैं दो कलर लेकर अपने आईब्रोज को फिल कर रही हूँ और दो ब्रशेज मैंने शो किए हैं, एक फ्लैट और एक स्पूली ब्रश। फ्लैट ब्रश से हम हमेशा फिल करते हैं अपने आईब्रोज को। तो सबसे पहले आपको जो फ्रंट ऑफ योर आईब्रो है वहाँ पर आपको धीरे धीरे लाइन बनानी है और जब आप टेल पर पहुँच जाते हैं तो आपको थोड़ा सा हार्शली अप्लाई करना होता है। और अगर आप इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं तो आप अपने मस्कारा को लेकर ड्रैग कर सकते हैं। ये वही टिप कर सकते हैं जैसे कि आप अपना कोई भी मस्कारा ले लीजिए और उसको रन कर लीजिए। अब मैं एक ब्रश की हेल्प से जो हमने बेकिंग किया था उसको मैं रिमूव कर लूँगी, क्योंकि हमारा जो बेकिंग प्रोसेस है वो स्टिक होगा थोड़ी देर के लिए कंसीलर, तो इसलिए हमको ज़्यादा देर नहीं रखना होता। इस बात का हमेशा ध्यान दें कि ज़्यादा देर तक हमारे फेस पे स्टिक ना हो। आई शेडो के लिए मैं कोई ज़्यादा बड़ा आई शेडो किट नहीं ले रही हूँ, बिकॉज टीनेजर मेकअप है। तो मैं आपको SFR प्रो का किट दिखा रही हूँ, ये बहुत ही अफोर्डेबल है, 120 to 150 में मिल जाएगा। और साथ में मैं आपको ब्रश भी दिखा रही हूँ, यह है कॉस्मेटिका का, ये अराउंड 199 का है, तो आप ले सकते हैं इसको भी। तो सबसे पहले मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से इस आई शेडो पैलेट का ऑरेंज कलर लेकर ड्रैग करूँगी अपने क्रीज पर और उसे ब्लेंड कर लूँगी। एंड ब्लेंडिंग प्रो टिप है ये कि आप अपने ब्रश को 50% ऑफ स्पेस से पकड़ें, यानी जहाँ पर ब्रश का मिड पॉइंट आता है उससे थोड़ा सा नीचे उसका ग्रिप बनाएं और उसके बाद ब्लेंड करें। इससे अच्छा कंट्रोल और कहीं नहीं मिलता, तो आपको सिर्फ कंट्रोल बनाना है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मीनाओ जनरेशन का ब्राउन पेंसिल। ये आईलाइनर और लिप लाइनर दोनों का काम करता है, इसके पिगमेंटेशन ऑन पॉइंट है। इसे लगाकर मैं फ्लैट ब्रश को लेकर क्रीज तक इसे अप्लाई करूँगी। मैं सिर्फ इसे ब्लेंड कर रही हूँ और उसके ऊपर ये डार्क ब्राउन शेड पैट कर रही हूँ। इससे इसकी इंटेंसिटी अच्छी हो जाती है और इंटेंसीफाई होगा और मैटिफाइड भी हो जाएगा। अब मैं अपना ब्लेंडिंग ब्रश लेकर सेम ब्राउन कलर लेकर और उसमें हिंट ऑफ ऑरेंज डाल रही हूँ और उसे ब्लेंड कर ले रही हूँ अपने क्रीज से अपर एरिया तक, और उसी को लेकर मैं लोअर लैश लाइन को स्मज करूँगी और कनेक्ट कर लूँगी अपने अपर आई शेडो से, जिससे हमारा आई लुक कम्प्लीट हो जाए। मस्कारा के लिए आपको बहुत आराम से मस्कारा कलर मिल जाएंगे मार्केट में। इसके अंदर आपको क्या करना होता है, नीचे देखना होता है लैशेस को, फिर अपवर्ड मोशन में इसे प्रेस करना होता है ताकि आपकी लैशेस कर्ल हो जाए। और उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ आई लव एक्सट्रीम मस्कारा। इसकी प्राइसिंग भी बहुत अमेजिंग है, नायका पर अमेजिंग डील्स के साथ मिलता है ये मस्कारा। मैंने इसे परचेस किया था 200 रुपीज़ में, आप 250 में भी ले सकते हैं। और अपने लोअर लैश लाइन को और लोअर लैशेस को मस्कारा से कोट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज ये हमारे आई लुक को कम्प्लीट करता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एक न्यूड लिप पेंसिल और ये बहुत ही अमेजिंग है। ये हाफ एंड हाफ और 7 हेवन्स दोनों में अवेलेबल है। न्यूड पीच कलर है इसका और 20 रुपीज़ में मिल जाता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ निविया का लिप बाम लिप कलर, और ये एक्चुअली लिप क्रियॉन है निविया का, ये भी 250 रुपीज़ में मिल जाएगा मार्केट में। इसकी पिगमेंटेशन बहुत अच्छी है, मैटिफाई करने के लिए आप टिश्यू पेपर से डैप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ जेनेरिक पैलेट का ब्राउन कलर, और इस कलर को मैं यूज़ करके अपने कॉन्टोर को कर रही हूँ। आप अपने जॉ लाइन पर अपने चीक्स के अंडर इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फेस कलर है वो बहुत अच्छा आता है। और मैं अपना यूज़ कर रही हूँ ब्लश फ्रॉम SFR कलर्स, ये भी 150 रुपीज़ का पैलेट है, इसके अंदर आपको कॉन्टोर भी मिल जाता है। सो मैं इसके कोरल शेड्स को लेकर अप्लाई कर रही हूँ एज अ ब्लश, और एक क्लीन ब्लेंडर को लेकर अपने प्रोडक्ट को, जो एक्सेस प्रोडक्ट है, उसे डैप कर ले रही हूँ। और हाइलाइटर के लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, ये 250 रुपीज़ में मिलेगा। और जब भी आप अपने इनर कॉर्नर को हाइलाइट करें और अगर आपकी स्पेसिंग बची है लैशेस के साथ, तो आप इसे अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों में लगाएं, इससे आपका लुक बहुत अच्छा है। सो ये है प्रोटिप हाइलाइटर का। हाई पॉइंट्स में लगाने के लिए मैं एक फ़ैन ब्रश यूज़ कर रही हूँ, और ये भी बहुत अमेजिंग लुक देता है फ़ैन ब्रश। और मेकअप फिक्सर मस्ट है, 130 रुपीज़ में मिल जाएगा आपको ADS मेकअप फिक्सर। सो ये अफोर्डेबल भी है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। और लास्ट स्टेप, आप अपना क्लीन ब्लेंडर लेकर अपने एक्सेस प्रोडक्ट को डैप कर सकते हैं। तो गर्ल
व्यूअर्स, दिस इज़ माई फिनिश्ड लुक। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को जल्दी से कर दो लाइक, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज कल ईद है और ये मेकअप ट्यूटोरियल ज़रूर करना चाहिए आपको आई गेस। सो आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर देना। अगर मेरी लव फैम का हिस्सा नहीं बने हो तो रेड बटन को जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी लव फैम का हिस्सा बन जाइए। एंड वेलकम टू माई फैमिली इन एडवांस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। आई लव यू टू मच एंड सी या नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।